पतंगे भी लड़ गईं, नैना भी लड़ गए, पर असली पेज अब पड़ा है। कैसे? इसका दिल तो हमेशा शादी के ख्वाब देखता है, पर आमतौर से शादी तक पहुंचने से पहले ही आंखें खुल जाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि एक मामूली फोटोग्राफर की आंखें हयात मंजिल की हयात से शादी करने का ख्वाब कैसे देखे? आंखें छोटी, ख्वाब बड़ा। दादा सरकार से कहकर तो देखो। मैं क्या कहता हूँ? कुतुब मीनार से नीचे कूदना ज्यादा आसान काम है। अच्छा तो डरपोक मियाँ, मैं कह लूंगी उनसे। दादा सरकार मेरी बात को कभी ना नहीं कह सकते। और अगर उन्होंने ना कह दी तो देखा जाएगा। और अगर नहीं देखा गया तो मैं कहीं और शादी कर लूंगी। और अगर फलकनुमा पैलेस की बीबी सरकार तशरीफ लाई हैं। फलकनुमा पैलेस के? जी, नवाब साहब भी साथ आए हैं। उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है जो अब्दुल वहीद मियाँ के लिए रिश्ता मांगने आई हो। एक तो इतराती बहुत हैं, मुझे तो एक आंख नहीं भाती। सुकन सुकन, बुला लो ने। जी सुकन, हयात मंजिल वालों को फलक नुमा पैलेस वालों की बुराई करना जेब नहीं देता। हम उनके एहसान मंद हैं। अगर वो फलक नुमा पैलेस की किसी बांदी या कनीज के लिए भी तुम्हारे बेटे का हाथ मांगे तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे। आदाब आदाब आदाब। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ रखिए। जय किस्मत जय नसीब, बीबी आज आपके आने से हयात मंजिल के दिन फिर गए। ये आप क्या फरमा रहे हैं? हमारी कहां मजाल आपके सामने फरमाएं, हम तो खादिम हैं, खिदमतगार हैं, अर्ज कर सकते हैं। वैसे आपके आने से हमारी इज्जत तो बढ़ी, लेकिन आपने खुद चल के आने की जहमत क्यों की? खादिम को बुला लिया होता, हम हाजिर हो जाते। आपको बुलवा के आपसे कुछ मांगना कुछ अच्छा न लगा। बीबी, हमारे पास ऐसी चीज ही क्या है जो आपको मांगनी पड़े? वैसे अगर कोई ऐसी चीज है भी तो आपके मांगे बगैर आपकी हुई, फरमाइए। जी, मैं सज्जाद मियां के लिए हया का हाथ मांगने आई हूँ। ये तो हया की खुशकिस्मती है। वैसे सज्जाद मियां कहाँ रह गए? वो घर गौरी बाहर बिठा दिया क्या उन्हें? जाओ अंदर बुला लाओ। जी, वो अब्दुल वहीद साहब के साथ है। ओ, जल्दी बुला लाओ, अब्दुल वहीद की शायरी से बचा लो। जाओ जल्दी जाओ, वो हमारे अब्दुल वहीद है ना, और फॉल बकते रहते हैं। हयात तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी, मैंने तो बरसों पहले देखा था उसे। माशाल्लाह 18 साल की हो जाएगी इस चांद में। बस तो अब इस चांद की चांदनी मेरी हुई। शेर मैंने जरा जल्दी में लिखा था, कुतुब मीनार। आओ सज्जाद में आओ, तशरीफ रखो। ऐ सुकन, सज्जाद मियां से पर्दा कैसे करना? देखो ये अब तो अपने हुए ना, अबे तुम तो इनकी पुप्पी सास हो। जी अब हम इजाजत दीजिए। ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं भाई, ये गलत बात है साहब, आज की रात तो आपको गरीब खाने पे गुजारनी होगी। हाँ। वाह 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 नाना सरकार, इस पर एक शेर याद आया। इरशाद। उफ़। नजर न पड़ती घर आपकी तो क्या होता? क्या होता? धुएं की तरह जमाने से उठ गया होता। बहुत अच्छा होता। कसब हो गया, सरकार ने नवाब सज्जाद साहब के साथ आपका रिश्ता मंजूर कर लिया। नहीं दादा सरकार, ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, एक शेर और याद आया। पूछा कुतुब मीनार से, पूछा कुतुब मीनार से दिल्ली का पता क्या है, बोला पठानकोट से जयपुर की तरफ मुड़ जा। भाई वाह, क्या रास्ता बताया। शुक्रिया सुभान शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए आइए किबला, जनाब इमरान खान साहब तशरीफ रखिए, आपकी तारीफ। आप है इमरान साहब, उनकी सबसे बड़ी तारीफ ये है कि ये मेरे दीवान के लिए मेरे शेरों को अपने तस्वीर के शीशे में उतार रहे हैं। अजी साहब, मैं लाख कोशिश करूं मेरी कोई भी तस्वीर आपके शेरों की अजमत का दामन तक नहीं छू सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर एक शेर अर्ज करूं? आपने इनकी तारीफ नहीं की। आप है नवाब सज्जाद अली खान साहब, लेकिन जल्दी इनकी तारीफ बदलने वाली है, क्योंकि ये मेरे होने वाले दूल्हा भाई है। आज ही हया से इनकी शादी तय हुई है।
नवाब सज्जाद अली खान साहब की होने वाली बेगम की खिदमत में ये खादिम दिली मुबारकबाद पेश करता है। ना ना, इन आंखों में काजल ही अच्छा लगता है, ये दर्द ना भरो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने एक मामूली आदमी से शादी करने से बच गई। कहां मैं, कहां नवाब साहब। शुक्रिया अदा करो अपने खानदान की रिवायतों का, एहसान मानो औरत की इस बेबसी का कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ इश्क तो जरूर कर सकती है लेकिन उसके साथ शादी नहीं कर सकती। किसी उस्ताद ने बहुत खूब कहा है, किसी अमीर की लड़की किसी गरीब के साथ निकाह ऐब समझती है, भाग सकती है। जाहिर है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें ऐश और आराम की वो जिंदगी नहीं दे सकेगी जो सज्जाद साहब के पैलेस में मिलेगी। तब तुमने मोहब्बत को समझा ही नहीं इमरान। आज की मोहब्बत 100 साल पहले वाली बेबस और बेजुबान मोहब्बत नहीं है। दादा सरकार, दादा सरकार। खैरियत जी, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था। कहो बेटे, लेकिन ऐसी गहरे रंग की संजीदगी क्यों उड़ाई? क्योंकि बात ही कुछ संजीदा है दादा सरकार। ऐसी बात है तो क्या सुबह का इंतजार नहीं कर सकती हो, नाश्ते के बाद हाउस के किनारे? जी नहीं, शायद तब तक मैं हिम्मत हार जाऊं। ये भी ठीक है, पहले बैठ तो जाओ। हाँ, अब कहो क्या बात है। दादा सरकार, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो हयात मंजिल की रिवायतों के खिलाफ है, लेकिन लेकिन क्या बेटे? आपने जो मेरे लिए रिश्ता कबूल किया है वो मुझे कबूल नहीं। घर आना बुरा है? जी नहीं। लड़के की शक्ल सूरत बुरी है? जी नहीं। तो फिर क्या बात है बेटे? दादा सरकार, मैं आपके हुक्म पर अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं क्या बेटी? इमरान से शादी करना चाहती हूँ। ये तो तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। अगर मैं तुम्हारी खुशी की खातिर ये भूल भी जाऊं कि इमरान हमारे खानदान का दामाद बनने के लायक नहीं है, मगर उस कॉल को कैसे भूलूंगा जो मैंने बीबी को दिया है? अब इस रिश्ते के टूटने का एक ही रास्ता है, नूर चश्मी, मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। एक रास्ता और भी है दादा सरकार। कौन सा रास्ता? सज्जाद साहब भी तो इनकार कर सकते हैं। हया को तो आपने कई बार देखा होगा इमरान साहब। जी हाँ, कई बार देखा है। मुझे तो अभी तक जियारत ही नसीब नहीं हुई, जाने कब निकलेगा उस उससे मुलाकात का चांद। मुझे पता नहीं था कि आप शायर भी हैं। अम्मा शायरी क्या, बस कभी कभार तुकबंदी कर लेता हूँ। अच्छा, हया बहुत अच्छी शायरा है। तब तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आ गई वो। तुम हया हो? जी हाँ, मैं ही वो हया हूँ जिससे आपकी शादी तय हुई है। जियारत को निगाहें मुंतजर थीं। तो चलिए खत्म कीजिए इंतजार अब। इसे कहते हैं बेसाख्ता शायरी। भाई अब तो प्यास और बढ़ गई, कुछ और सुनाइए ना। क्यों नहीं, आपको सुनाने के लिए ही तो आई हूँ। तशरीफ रखिए, आप इस गाने का मतलब समझे।
क्या गाने का भी कोई मतलब होता है? मेरा सवाल फिर भी वही है सज्जाद। तो फिर मैं कूड़ मगज हूं, सवाल समझा नहीं? सवाल यह है कि एक लड़की के घर वालों ने एक आदमी से उसकी शादी करने का वादा कर लिया, लेकिन उस लड़की की किताबें दिल पर पहले से ही किसी और का नाम लिखा हुआ है। अब एक तरफ उसके घर वालों का वादा है और दूसरी तरफ उसकी अपनी मोहब्बत। अगर वो लड़की अपनी मोहब्बत का राज बता दे तो क्या वो आदमी उस लड़की से फिर भी शादी करेगा? अगर उस आदमी में परखने की ताकत है तो ना सिर्फ ये कि वो उस लड़की से शादी करेगा, बल्कि ये कि वो उस अजीम पाकदामन सच्चाई की देवी की पूजा करने लगेगा। जिसके पास साफ गोई की ये नेमत हो आया, उसके साथ शादी से इनकार करने वाला कोई बदनसीब ही होगा। पर वो लड़की है कौन और वो दो आदमी कौन है? वो लड़की मैं हूं जिससे वादा किया गया, वो आदमी आप हैं, और जिससे प्यार किया उसका नाम बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्यार उस आदमी की अमानत है। अब बताइए, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तुमसे शादी करना मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूं इमरान जी? कमाल है भाई, मेरी इस खुशनसीबी पे मुबारकबाद तो दो। बहुत बहुत मुबारक हो सज्जाद साहब।